गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग पर। बात करते हैं दोस्तों इनिशिएटर एग्ज़ाम 2020 के बारे में। तो आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर बीएल जाटावत ने दिया अपने पद से इस्तीफा। राज्य सरकार ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया। अब क्या जो इसकी आंसर की आने वाली है कृषि अनुसंधान भर्ती 2020 की, इसमें क्या देरी होगी, क्या रिजल्ट में देरी होगी? तो अब कुछ समय लगेगा क्योंकि वापस जब बोर्ड अध्यक्ष आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर की निकलेगी। तो ये आज की इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में भी ये खबर आ चुकी है। विवादों में घिरे कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष बीएल जाटावत ने दिया इस्तीफा, सरकार ने तत्काल किया स्वीकार। पेपर लीक विवाद और कोई भी भर्ती परीक्षा निरस्त होने से विवादों में घिरे थे जाटावत। विपक्षी दल बेरोजगार अभ्यर्थी जाटावत के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। जाटावत पर लगातार इस्तीफे का दबाव पड़ रहा था। तो ये आज की ऑफिशियल न्यूज़ है। काफ़ी लंबे समय से छात्र विरोध कर रहे थे क्योंकि दो तीन पेपर ऐसे तो जो आउट हो चुके हैं, कम से कम 10 भर्ती एग्ज़ाम ऐसी है जो स्थगित हो गई है। तो ये इसकी आज की पेपर कटिंग न्यूज़ है। मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ पूरी। कई भर्तियाँ परीक्षा निरस्त होने और पेपर लीक मामले में विवादों में घिरे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बीएल जाटावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से जाटावत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष पिछले कुछ माह से बहुत सी भर्ती भी रद्द हो चुकी है। लाइब्रेरियन और जैन भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण इनकी परीक्षाएं भी निरस्त करनी पड़ी। पेपर लीक प्रकरण के बाद राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। इसके कारण अध्यक्ष बीएल जाटावत कई विपक्षी दलों और बेरोजगार अभ्यर्थियों के निशाने पर आ गए थे। कई नेताओं ने जाटावत के इस्तीफे की मांग की थी। बार बार भर्ती परीक्षा निरस्त होने से राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी अब विपक्षी दलों पर निशाने पर है। तो इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो बीजेपी राज में हुई थी, बीएल जाटावत की नियुक्ति, लेकिन अब बीजेपी नेताओं के ही निशानों पर है। तो लंबे समय से इस्तीफे की मांग चल रही थी और जाटावत को उच्च स्तर से इस्तीफा देने का संकेत दिया गया, जिसके बाद तत्काल इस्तीफा हुआ। यानी इनसे इस्तीफा दिलाया गया है, इन्होंने अपने मन से इस्तीफा नहीं दिया है। और 2022 में इनका रिटायरमेंट भी होने वाला था, लेकिन उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बीएल जाटावत के इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बार बार भर्ती परीक्षा निरस्त होने से सरकार की छवि खराब हो रही है, इस वजह से चयन बोर्ड अध्यक्ष को इस्तीफे के लिए कहा गया। बताया जाता है कि सरकार के उच्च स्तरीय बीएल जाटावत को इस्तीफा देने के लिए कहा गया, जिसके बाद शाम को जाटावत ने इस्तीफा जो तत्काल स्वीकार कर लिया गया। जानकारों का तर्क है कि सरकारी सिस्टम में इतनी फुर्ती तभी दिखाई जाती है जब सब कुछ पहले से तय हो। जाटावत के इस्तीफे में जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से घुमा, उससे माना जा रहा है कि सब कुछ पहले से तय था। ये भी माना जा रहा है कि इस्तीफा दिया नहीं, लिया गया है। यानी इनसे इस्तीफे की सरकार ने मांग की है और फिर इन्होंने तुरंत तत्काल इस्तीफा दे दिया है। अब जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की भर्तियाँ होगी, आने वाली जो भर्तियाँ है, जैसे पटवारी भर्ती एग्ज़ाम डेट है, इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम की आंसर की है, फिर इसका रिजल्ट है, तो इन सब में थोड़ी सी देरी हो जाएगी। क्योंकि इसके पहले जो सचिव थे मुकुट बिहारी भार्गव, वो भी उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस प्रकार दो बड़ी पोस्टें खाली हो गई। जो सचिव थे वो भी यहाँ नहीं है और अध्यक्ष भी नहीं है। तो जो नया अध्यक्ष आएगा वही इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। तो अब क्या कब तक आने की संभावना आंसर की, ये इसकी ऑफिशियल न्यूज़ है। जी राजस्थान की ट्वीट है ये, आप देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ कि इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम 2020 अवेलेबल सोन ऑफिशियल आंसर की इस सप्ताह में जारी हो जाएगी ऑफिशियल आंसर की। अब एक सप्ताह और लग जाएगा, पहले ये 20 जनवरी तक ही आने की संभावना थी और
ऑफिशियल आंसर की आती है तो कैसे आती है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये देखिए आप, ये देखिए ये जो ऑफिशियल आंसर की है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की है, तो ये तो अंतिम उत्तर कुंजी है और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 19 सितंबर को हुआ था और 28 सितंबर को आंसर की जारी कर दी गई। तो पहले मैं आपको इसकी फर्स्ट आंसर की बता रहा हूँ। ये देखिए प्रारंभिक उत्तर कुंजी, इसी प्रकार जो कृषि अन्वेषक भर्ती हुई थी 2020 उसकी भी इसी प्रकार आंसर की आएगी। ये जो आंसर की है ये पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड स्थिति भर्ती परीक्षा 2018 और परीक्षा दिनांक थी वो 19 सितंबर थी। और आप देख सकते हैं आंसर की कब जारी हुई, मात्र 11 दिन बाद, 10 दिन बाद भी आंसर की जारी कर दी गई। यानी 19 सितंबर को तो पेपर हुआ लाइब्रेरियन का और 28 सितंबर को आंसर की जारी कर दी गई और ये सचिव के द्वारा जारी की गई है। तो अभी आप जानते हैं सचिव की पोस्ट भी खाली है, पहले मुकुट बिहारी जी भार्गव थे तो उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अब अध्यक्ष भी नहीं है और सचिव भी नहीं है। तो आप सोचो आंसर की कैसे आएगी फिर, तो आंसर की और रिजल्ट दोनों देरी से होंगे। तो जो अभ्यर्थी इसके बारे में देख रहे हैं मेरा उनसे निवेदन है कि आप अन्य भर्तियों की तैयारी करते रहें, जो भी आंसर की आएगी वो देखी जाएगी, कुछ भी आ सकती है, अपने उससे कोई मतलब नहीं है। अपन ने एक बार तैयारी करके एग्ज़ाम दे दिया है, अब आप बार बार ये मत सोचो कि क्या आंसर की आएगी क्या रिजल्ट होगा, जिसके जितने मार्क्स हैं उतने ठीक है, अभी कोई कन्फर्म नहीं कह सकता कि इतनी कट ऑफ जाएगी। फिर भी मैं एक बार एक वापस एनालिसिस करके बता दूंगा इसी वीडियो में। तो ये देखिए इस प्रकार आंसर की आएगी, प्रारंभिक उत्तर कुंजी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जयपुर और परीक्षा दिनांक है 19 सितंबर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 150% की आंसर की है और फर्स्ट आंसर की में एक भी पर्सन डिलीट नहीं हुआ। जब आंसर की आएगी तो सचिव के सिग्नेचर होंगे और दिनांक लगी हुई होगी। फिर आप सेकंड आंसर की देखिए इसकी, जिसमें लिखा हुआ होता है अंतिम उत्तर कुंजी, इसके बाद कोई संशोधन नहीं होता है। तो इसमें कितने पर्सन डिलीट हुए, कितने पर्सन थे लाइब्रेरियन में, 150% है और 150% में से कितने पर्सन डिलीट हुए, तो इस वीडियो में देखिए आप। दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आती है इस भर्ती संबंधित तो मैं ज़रूर इसका वीडियो बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 5 डिलीट हुआ यानी एक। फिर प्रश्न क्रमांक 27 पर डिलीट हुआ यानी कि 2। फिर 29 पर है 3। फिर 55 नंबर प्रश्न डिलीट हुआ, 4 हो गए। फिर 62 नंबर पर डिलीट हुआ, 5। 67 पर डिलीट हुआ, 6। 78 पर डिलीट हुआ, 7। 81 पर डिलीट हुआ, 8। 109 पर डिलीट हुआ, 9। और 146 पर डिलीट हुआ, 10। तो कुल मिला के 150 में से 10% डिलीट हुए। फिर 140 के अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्ट आया वो 140 के अकॉर्डिंग आया। और ये नंबर 10% कौन से डिलीट हुए ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको लाइब्रेरियन पेपर के बारे में। तो आप एक बार कृषि अनुसूचित भर्ती के बारे में कन्फर्म कर सकते हैं कि फिर कौन कौन से पर्सन डिलीट हो सकते हैं। यानी कुल मिला के ये मान के चलो कम से कम 5% तो ही, यदि अपन रेशियो देखें तो डिलीट होने के जो कम से कम है वो 5 डिलीट क्वेश्चन होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10। यानी 5 से 10 के बीच में पर्सन डिलीट होने की संभावना है। और वो पर्सन जो अलग अलग विद्यार्थी हैं उनके अलग अलग डिलीट होंगे, किसी कोई विद्यार्थी उनको सही मान रहा है तो उनको नुकसान हो जाएगा डिलीट होने पर, किसी विद्यार्थी की ये गलत है तो उसको फ़ायदा हो जाएगा, किसी ने इसको नहीं किया तो भी उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी आंसर की आएगी। तो ये सचिव के द्वारा जारी की जाती है और बोर्ड अध्यक्ष दोनों के द्वारा, तो सचिव के इसमें सिग्नेचर होते हैं। तो कहने का मतलब जो
इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के आंसर की आएगी कृषि अन्वेषक भर्ती 2020 की, वो सेम इसी प्रकार आएगी। पहले फर्स्ट आंसर की आएगी, फिर सेकंड आंसर की, यानी जिसे अपन अंतिम या फाइनल आंसर की कहते हैं। फर्स्ट आंसर की से कट ऑफ और सेकंड आंसर की कट ऑफ अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट आंसर की में कोई परसेंट डिलीट नहीं बताएगा यह, और सेकंड आंसर की आएगी जो फाइनल आंसर की उसमें 5-6% डिलीट बताएगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग नंबर होंगे, तो कट ऑफ में बदलाव होगा। तो अभी जो कट ऑफ है वो एक अनुमानित कट ऑफ है, अभी तक जितना सर्वे किया मैंने कम से कम 100 विद्यार्थियों से मैंने पूछताछ कर ली है, 100 विद्यार्थियों से संपर्क होने के बाद ये सामने आया है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही है, वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो इतना ही था कि एक बार आपको ये भी बता दूँ कि विवादों में घिरे कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष बी एल जाटावत, यानी लंबे समय से मांग चल रही थी और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के पीछे क्या कारण था? एक तो सरकार का इन पर प्रेशर था। सरकार का प्रेशर क्यों बढ़ा? क्योंकि बेरोजगार अभ्यर्थी थे और प्लस जो बीजेपी पक्ष के नेता थे, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, बी एल जाटावत के दौरान बीजेपी राज के दौरान चयन बोर्ड अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है, और अब बीजेपी नेता बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा, ये एक तो प्रमुख नेता थे बीजेपी के, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका विरोध किया क्योंकि बहुत सारी भर्तियों के में विवाद में रही, कम से 2-3 पेपर तो आउट हो गए, फिर उनकी भर्ती परीक्षा वापस हुई। अभी लेटेस्ट जो पेपर आउट हुआ वो जेएन का हुआ है और लाइब्रेरियन की परीक्षा भी 2 बार करवा दी गई है, तो इस कारण ये पेपर जो हुआ है लाइब्रेरियन का या जेएन का इसको पुनः किया गया, और जेएन की अभी तक डेट नहीं हुई। और अभी आपने देखा होगा कि पटवारी एग्ज़ाम मात्र 9 दिन पहले 10 जनवरी को पटवारी एग्ज़ाम होना था और आज 17 जनवरी है, तो आज भी पटवारी एग्ज़ाम होना था लेकिन ये रद्द कर दिए गए, स्थगित कर दिए गए, अभी तक इसकी डेट भी घोषित नहीं की गई। तो जब तक डेट घोषित नहीं कर पाते हैं तब तक विद्यार्थी वापस अपने सिस्टम में नहीं आते पढ़ने के सिस्टम में, तो ये भी कुछ कमियाँ रह गई है। एन मौके पर पटवारी भर्ती परीक्षा स्थगित करना, पेपर आउट होना, और जो पेपर आउट हुआ उसकी डेट अभी तक घोषित नहीं करना, और जिन्होंने इनको आउट किया उसके बारे में कोई सूचना ही नहीं देना, तो ये सब विद्यार्थी के लिए नुकसान वाली बात है। जो अभ्यर्थी लंबे समय से पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उनको बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है जी राजस्थान का। अब बात करते हैं अपन अपने एग्ज़ाम के बारे की बारे में कि एग्ज़ाम अपने दिया था इन्वेस्टिगेटर का वो कुछ किस प्रकार होगा, मतलब किस प्रकार हुआ और किस प्रकार इसका कट ऑफ आने की संभावना है, किस प्रकार इसकी आंसर की आएगी, कितने परसेंट डिलीट होंगे। तो बात करते हैं अपन इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम 2020 की अवेलेबल सून ऑफिशियल आंसर की। अब ये इस सप्ताह में जारी होगी, यानी कि अब ये कम से कम 10 दिन आप मान के चलो, पहले ये 20 जनवरी के आसपास आने की संभावना थी, अब ये 20 से 7 और मान लो आप 27 जनवरी तक चली जाएगी, तो ये विद्यार्थियों के लिए नुकसान है क्योंकि कुछ विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं जो नज़दीक है, जिनको ये लग रहा है कि नंबर आ सकता है, तो वो बेचारे बार बार आंसर की आने की देख रहे हैं कि आंसर की से कौन से परसेंट डिलीट हो सकते हैं। तो मैं तो विद्यार्थी से यही कहना चाहता हूँ, विद्यार्थी प्लीज़ यदि आप तैयारी कर रहे हो तो भर्तियाँ और भी अपने सामने हैं, इसमें तो जो होना है जो हो जाएगा फाइनल, जिसका नंबर आना आ जाएगा, क्योंकि अभी तो 3 गुणे की कट ऑफ आएगी, फिर 1 गुणे की आएगी, पहले तो आंसर की आएगी, फर्स्ट आंसर की आएगी, फिर ऑफिशियल आंसर की आएगी, लास्ट में वो फाइनल आंसर की आएगी, तब तक 1-2 महीना लग जाएगा। तो कहने का मतलब 1 महीना तो लग ही जाएगा, और 1 महीने तक अपन यही सोचते रहे कि भाई अब कट ऑफ क्या रहेगी, क्या नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो ज़्यादा समय अपना ख़राब नहीं करना है। नेक्स्ट जो भर्ती है उसके बारे में तैयारी करते रहो आप, जैसे कि अभी लेटेस्ट भर्ती है आपको पता ही होगा, जैसे कि आपको देख सकते हैं जो लेटेस्ट भर्ती है अपने पास, एक तो अपने पास पटवारी एग्ज़ाम है जिसकी अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुई है, दूसरा हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम है जो बहुत जल्द होने वाला है, और हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम कब तक होगा इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम है वो आपके अब तक संभावना है कि मई या जून में होगा, क्योंकि जनवरी में तो होने की संभावना नहीं है, और मार्च में हो भी सकता है, लेकिन मार्च में पहले ग्रुप डी का होगा,
जो ग्रुप डी की भर्ती निकली हाईकोर्ट में, पहले उसका एग्जाम होगा क्योंकि पहले इसकी विज्ञप्ति आई है, उसके बाद हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम होगा। तो जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं हाईकोर्ट एलडीसी पटवारी एग्जाम और जो बीएड या बीएसटीसी है, तो रीट भर्ती है वो भी 25 अप्रैल को होगी। ठीक है, इसका भी कुछ डाउट चल रहा है होगी या नहीं होगी, कन्फर्म नहीं है, फिर भी अपन तो 25 अप्रैल मान के चले और 25 अप्रैल के अकॉर्डिंग तैयारी करें। मान लो आगे चली जाएगी भर्ती, कोई बात नहीं, अपन को और टाइम मिलेगा। जैसे आपने इन्वेस्टर एग्ज़ाम में देखा होगा, पहले ये 10 मई को थी, ये पहले ये एग्ज़ाम 10 मई को होने वाला था कृषि भर्ती 2020 का, फिर ये 10 मई से 10 अक्टूबर हुआ और 10 अक्टूबर से लास्ट में ये 27 दिसंबर को हुआ। तो जिन अभ्यर्थियों ने कंटिन्यू तैयारी रखी वही 100 प्लस हुए, बाकी 100 के अंडर है। 100 के नीचे आने वाला वही व्यक्ति है जो उसने कंटिन्यू तैयारी नहीं रखी, और जिसने कंटिन्यू तैयारी रखी वो 100 प्लस है। तो बात करते हैं कट ऑफ की, कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ अभी तक जो है वो 100 के आसपास ही घूम रही है, 100 प्लस माइनस 10, ये कट ऑफ है। प्लस माइनस 10, प्लस 10 भी हो सकती है और माइनस 10 भी। अब इसकी संभावना ज़्यादा है, 100 प्लस 10 की संभावना है वो 60% है, और 100 माइनस 10 की जो संभावना है वो 40% है। कट ऑफ कम ज़्यादा हो सकती है। कट ऑफ के बारे में मैंने एक दो वीडियो पहले बना दी है, मैंने तो कट ऑफ लगभग ठीक बताई है और भी कम ही बताई है। कई यूट्यूबर बहुत ज़्यादा भी बता रहे हैं, 120 115 कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। 5-6 विद्यार्थी हैं ऐसे जिनके 120 या 110 के आसपास है, बाकी सारे विद्यार्थी एवरेज माने ना तो सारे विद्यार्थी 100 के आसपास घूम रहे हैं। और जो एससी एसटी है, ओबीसी है, जैसे एसटी और ओबीसी या इससे लेवल की बात करते हैं जैसे एससी की, तो वो 90 के आसपास ही है। एसटी और एससी का टॉप है, और जो एलडी है उनकी कट ऑफ भी 80 के आसपास है। तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, जनरल की 110 लास्ट है, 110 के अंदर रहने की संभावना पूरी पूरी है। तो ये तो कट ऑफ एक गुणे की थी, तीन गुणे की जा सकती है 90 पे आए। तो अब जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती तब तक अपन नहीं बता सकते। तो दोस्तों जैसे ही फाइनल आंसर की आती है, अब थोड़ा सा लेट हो जाएगा इसमें। अब लेट क्यों होगा, इसके पीछे आप देख सकते हो कारण, क्योंकि बोर्ड ऑफिस के जो अध्यक्ष थे बी एल जाटव जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और जो सचिव है वो भी उसकी पोस्ट भी खाली है, फिर आंसर की आने की संभावना अभी तो है नहीं। अब अगले सप्ताह तक यानी 27 जनवरी तक आने की संभावना है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के लिए बहुत एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, और एक्सपर्ट काम करता है तभी जब अध्यक्ष हो, सचिव हो, और विद्यार्थी की संख्या कम है इसलिए इस पर कोई दबाव भी नहीं हो रहा है। लाइब्रेरियन की में तो आप देखा होगा कि उस पर दबाव था बहुत ज़्यादा, दबाव होने के कारण, प्रेशर होने के कारण उन्होंने 19 सितंबर को परीक्षा ली और मात्र 10 दिन के अंदर अंदर 28 सितंबर को आंसर की जारी कर दी। अपने जो एग्ज़ाम हुआ था इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम, 27 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ कृषि अनुसार भर्ती का, 27 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ, और आज दिनांक होगी 17 जनवरी 2020। 17 और 4 21 दिन हो गए अपने एग्ज़ाम को, 21 दिन में तो आंसर की आ जानी चाहिए, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष और इन सब में विवाद चल रहा है इस कारण आंसर की जारी नहीं हुई। तो बहुत जल्द इसकी आंसर की जारी हो जाएगी, अगले सप्ताह तक होने की पूरी पूरी संभावना है, जनवरी में लास्ट डेट तक हो जाएगी। और जो ये भर्ती तैयारी कर रहे हैं दूसरी भर्ती एग्ज़ाम की, तो उनसे मेरा यही कहना है आप तैयारी करते रहो, एक बार 7 दिन में सप्ताह में एक बार देख लो कि भाई आंसर की एक नहीं है, बार बार आप अपना ध्यान मत दो। अब 21 दिन हो चुके हैं तो अब आप भूल भी चुके होंगे भाई पेपर कल किस प्रकार हुआ, क्योंकि अपन अब दूसरी तैयारी में लग गए। जिसको पता है नंबर नहीं आएगा वो तो लग चुका है, जो किनारे पे है वो बार बार सोचता है, वो सोचना भी पड़ेगा क्योंकि बंदे ने तैयारी की है। जिस बंदे ने ईमानदारी से तैयारी की है उसके दिमाग में 24 घंटे में एक बार ज़रूर आएगा कि इसका रिजल्ट कब आएगा, इसके आंसर की कब आएगी, और बार बार वो यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से देखना चाहेगा या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेगा। क्योंकि जिस बंदे के 100 के आसपास है वो रेस में है, वो दौड़ में है, तो ज़रूर देखेगा क्योंकि उसने मेहनत की है, और मेहनत करने वाले के पास जो जिसने मेहनत की है ना उसके 90 से 120 वाले जिसके नंबर हैं उन बंदों ने मेहनत की है, 90 वाले के कारण ही कुछ कमियाँ रह गई होगी। 90 वाला भी 100 के आसपास आ सकता था और 120 वाला 130 के पास जा सकता था। तो 5-10% ऐसे होते हैं जो आते हुए अपन से गलती हो जाती है या जल्दबाजी में हो जाती है। तो कहने का मतलब अब आप इसको एक बार भूल जाओ और ये
जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है, जैसे पटवारी है, हाई कोर्ट LDC है, रिट है, कॉलेज लेक्चरर है, जूनियर अकाउंटेंट है, इनकी तैयारी में लग जाओ। इसके जैसे भी यहाँ फिर ऑफिशियल आंसर की आएगी, इसकी जो रिजल्ट डेट आएगी, तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख लेना। अभी आप अपना टाइम खराब मत करो, आज संडे था, संडे को टाइम मिलने के कारण मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। जिनको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, आपने प्रायिकता पढ़ा होगा, प्रायिकता में देखा होगा आपने, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो जैसे ही वीडियो जो यूट्यूबर होता है वो वीडियो बनाता है, उसके भी दो पहलू होते हैं। तो जिनको समझ में आ रहा है, जो ये सोचता है बंदे ने सही वीडियो बनाया है, तो वो तो लाइक कर देता है, जिसको लगता है कोई मतलब नहीं है वो एक सेकंड देख के डिसलाइक करता, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी अलग अलग केमिस्ट्री होती है। डिसलाइक करने वाले डिसलाइक करते हैं, लाइक करने वाले लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करने वाले सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ फ़ायदा हो तो अभी तो वो सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब से। देखो मैं ये नहीं कहता कि किसी को फ़ायदा हो किसी को नुकसान हो, वही देखे जिसको फ़ायदा हो, नहीं देखना तो मत देखो। कहने का मतलब ये है कि आप मेरे चैनल पे बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में मैं जैसे ही इसकी ऑफिशियल आंसर की आती है या इसके बारे में कोई सूचना आती है तो मैं उसके बारे में पूरा आपको बता दूंगा। आप देख सकते हैं मैंने कम से कम इस एग्ज़ाम से संबंधित 10 से 15 वीडियो बना दिए। सबसे पहला वीडियो मैंने ही बनाया था जब 27 दिसंबर को पेपर हुआ था इसका कृषि अनुसर का, तो 28 दिसंबर को मॉर्निंग में मैंने इसकी आंसर की लगा दी और उस पर व्यूज़ 4000 प्लस है। आप देख लेना फर्स्ट जो मेरे वीडियो है जिसमें मैंने स्टैटिक्स के पेपर के प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया विद फुल सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि मैंने केवल आंसर बताए, ऑप्शन बताए, मैंने विद सॉल्यूशन के साथ बताए और मेरे को कम से कम 3 घंटे मेहनत करनी पड़ी तब जाके वो 40 मिनट का 50 मिनट का एक वीडियो बना। आप ये मत सोचो कि ऐसे कोई वीडियो बन जाता है। अब आप देख सकते हैं पुराने वीडियो देख लेना, सारी आंसर की बता दी मैंने, सारे प्रश्नों की लगभग 150 में से 140 प्रश्न में कह सकता हूँ 140 प्रश्नों की एकदम ओके आंसर की है। 10% तो विवाद में है, 5-6% डिलीट होने की संभावना है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में, कोई भी कुछ नहीं कह सकता, बड़े से बड़ा कोचिंग वाला भी नहीं कह सकता। मैं तो एक छोटा सा हूँ बंदा अभी तक, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और भी जैसे भर्ती आएगी तो मैं उसके भी वीडियो बढ़ाऊँगा। सांख्यिकी विभाग की जो भी भर्ती आएगी, नई भर्ती आएगी, जैसे कि बहुत जल्द आने वाली है संगणक की भर्ती आएगी, सूचना सहायक की भर्ती आएगी, ASO की भर्ती आएगी, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आएगी, तो जैसे इन सब की भर्ती आएगी तो मैं इनका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस बता दूंगा, कौन कौन से टॉपिक होंगे उसके बारे में समझा दूंगा, और उन टॉपिकों में जो स्टेटस के टॉपिक हैं और मैथ्स के टॉपिक हैं इनको मैं आप विथ सॉल्यूशन करवा दूंगा। इस बार मैं सारे वीडियो बनाऊंगा जो भी इस भर्ती एग्ज़ाम होंगे। अभी मैं रिट पे काम कर रहा हूं, आपने देखा होगा रिट Level 2 में मैथमेटिक्स में जो एक टॉपिक जुड़ा है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में वीडियो बना रहा हूं मैं और उसी के बारे में समझा रहा हूं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स से बिलोंग करता हूं और मैथमेटिक्स के वीडियो में बनाता हूं। तो मैथ से जो प्रोबेबिलिटी के वीडियो चल रहे हैं उसका मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। और लगभग जो 30% आते हैं मैथमेटिक्स के BSTC में आते हैं और रिट Level 2 में आते हैं, तो मैथ संबंधित और साइंस संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनके वीडियो बना रहा हूं। तो बना रहे मेरे चैनल के साथ धन्यवाद, जिन्होंने मेरे जो वीडियो को लास्ट तक देखा उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्लीज़ इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।